गुरु जी को सादर नमन। खुश रहिए। मैं डीएनए में दो लोग हूँ, अरुण कुमार पांडे और मेरी पत्नी वंदना पांडे। खुश रहिए। आंखें बंद करिए। प्रहार, पांच बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप आओ, एक मिनट, आपको जाना होगा शकुंतला जी। ओम नमः शिवाय, आपको जाना होगा। दिमाग इस तरह हाँ, बैठो। ओम, आँख खोलिए और अपना अपना बंधन कीजिए पांच बार। ओम नमः शिवाय बोलो। दो लोग जोड़े हाँ, आप और ये दो ही लोग हैं जी। ब्रेन ट्यूमर, आधा अंग कटा हुआ था इनका सूक्ष्म में। हाँ, आधा अंग कटा हुआ। हाँ, ऐसा है, आधा अंग कटा हुआ। ओम, ये ठीक किया गया, लिगामेंट्स टाइट किया गया, कैंसर की गांठें निकाली, किडनी, यूट्रस ठीक किया गया, ओवरी ठीक की गई, फिलिपियन ट्यूब्स ठीक की गई, लंग्स डैमेज हैं काफी, हार्निया, जलन होती थी हटाए गए, यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन, हियरिंग प्रॉब्लम्स थे, फ्रोजन शोल्डर, आर्टरीज, हार्ट आर्टरीज ब्लॉकेज ठीक किए गए। आते हैं अभी बहुत आपके ट्रीटमेंट हुए सब, है ना? बहुत ट्रीटमेंट हुए, बहुत कष्ट आपको रहा, जिसमें ब्रेन में एक तो ट्यूमर्स बन गए थे। यस। अभी दरबार ने सूक्ष्म शरीरों से उसको रिमूव किया है। ठीक है। आधा अंग जैसे कटा हुआ अलग से महसूस होता था, ये दरबार ने अभी उसको जोड़ा है। लिगामेंट्स काफ़ी लूज हो गए थे। Yes. ये भी दरबार ने टाइट किए। कैंसर की गांठें निकाली गई हैं। यस। कैंसरस, किडनी, यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब्स, ये सब ठीक की गई हैं। और जो लंग्स हैं काफ़ी डैमेज हुए हैं जी, वो भी दरबार ने सूक्ष्म ठीक किए हैं जी। हार्निया जैसा कुछ, एक जाली फट के बाहर मांस पड़ रहा है पेट में जी, वो दरबार ने भी ठीक किया, अंदर किया, उसको स्विंग किया, सिला है जी, टाँके लगे, सुसरत ने किए हैं, सूच जाएगा जी।
दूसरा जलन होती थी खूब जी, वो भी दरबार ने हटाई, यूरिन इन्फेक्शन था जी, ये दरबार ने हटाया है। सुनाई देने में प्रॉब्लम होने लग गई थी जी, और फ्रोजन शोल्डर, एक हाथ पूरा नहीं उठता था, ये भी ठीक किया गया है जी। जो आर्टरीज ब्लॉकेज हो रहे थे जी, ये भी ठीक की गई है। और आंतों में ऐठन जी जी, जैसे आंतें ऐठ जाएँ जी, जी, जी ऐसे थी सिकुड़, ये भी दरबार ने ठीक किया। नर्व और हड्डी कई जगह चेंज की गई हैं जी, स्पाइन ठीक की गई है, घुटने ठीक किए गए हैं जी। स्वप्न बहुत खराब खराब आते थे जी, अब नहीं आएंगे जी, अक्सर चौंक जाती थी भय से जी, भय हो जाता था, चौंक जी, जाते जी, थे, वो भी नहीं होगा। चिड़चिड़ापन बहुत आ गया था जी, ड्यू टू डिजीज जी जी, और क्रोध आने लग गया था काफ़ी बहुत, और शरीर छोड़ने की इच्छा हो, ये सब घटा दिया गया, कुछ आएगा भी नहीं दिमाग में आपके जी। अब थोड़ा सा मूवमेंट करिए आप लोग, चलिए जरा मूवमेंट करिए, चलिए पुराना भूल जाइए, चलिए आप थोड़ा, गुरुजी 22 फरवरी 2012 से ये बैठ नहीं पाई हैं। 2012 से यस, बैठेंगी सब करेंगी, जिसमें दो बच्चा मैंने खोया है, चार चार महीने का अंदर ही खत्म हो जाता है। अभी इसीलिए दरबार ने भी फिलिपियन ट्यूब्स ठीक की है, दरबार बहुत आगे तक देखता है मतलब यूट्रस ठीक किया और फिलिपियन ट्यूब्स ठीक की जो गड़बड़ हो गई थी है? इसीलिए थोड़ा चल पा रही ठीक से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चलिए चलिए कोई बात नहीं, इतना कॉन्फिडेंस जरूरी है बैलेंस बहुत बढ़िया, खड़े हो जाइए, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है ना, आप एकदम अच्छे हो गए, धन्यवाद गुरुजी, है ना, एकदम पूरी तरह आप अच्छे हो। गुरुजी ये जो है इस पैर में ना जकड़ा ना बहुत ज्यादा, कहते हैं दोनों घुटनों में जकड़ा ना, और पीछे जो बैक है ना, बैक से नीचे अभी जो आपका शरीर क्या किया है, सीधा किया गया है जी गुरुदेव, सीधी हुई ना आप जी गुरुदेव, पहले पूरा झुक के जैसे बूढ़े चल रहे थे जी जी जैसे तिरछा होकर चलने का मन करता था, नहीं जैसे बूढ़े लोग एक तरफ की ओर झुक के तिरछा चलते, अब चल रहे थे हॉकी लेके। कई सालों से गुरुदेव मैं नीचे बैठ नहीं पाई, मुझे मतलब पूजा पाठ के लिए ना मेरे परिवार वाले बैठाते हैं, मेरे हस्बैंड बैठाते हैं या कोई और बैठाता है, कहते हैं कोई बात नहीं, अब आंखें बंद करो, ओम, आप थोड़ा पास में आ जाइए, आप पास में आ जाइए, ओम, काट दिया जाए बोला इन्होंने जो बैलेंस, हम जो बोलें केवल सुनेंगे, आप बोलना कुछ भी नहीं, ठीक है, एक हथेली पकड़ लीजिए, हथेली ऐसे आंखें बंद, ओम, काट दिया जाए वापस, बैलेंस, पांच बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 इनको महामृत्युंजय का आवरण दिया जाए, ताकि कोई भी आसुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्तियां, उनकी इच्छा विचार आशाएं
स्मृतियाँ कोई भी प्रवेश ना कर सके ना ही अपना प्रभाव छोड़ सके। बैलेंस पवन देव, वायु कम करें इनके शरीर से, अपने में समाहित करें और वायु कम करें और अपने में समाहित करें। बैलेंस, पांच बार पुनः बोलें ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस आँख खोल लीजिए, अब आँख खोलें, अपना अपना बंधन खींचे पांच बार ओम नमः शिवाय बोल। वही इनका यह संकल्प तोड़ दिया जाए कि या तो ठीक कर दो भगवान या फिर इस धरती से उठा लो, नष्ट किया जाए, केवल स्वस्थ किया जाए, यह संकल्प बना दिया जाए। बैलेंस, अब आप मूवमेंट करिए, आप चलिए फिरिए, आप चलिए मूवमेंट करिए, ओम गति बढ़ा दीजिए चलने की, ओम बैलेंस। अकलन चकलन सब हटाई जाए, ओम ओम। खड़े हो, खड़े हुई ओम शिव, आंखें बंद, प्रहार सारी नस नालियां खोल दी जाए, पूरे शरीर से अकलन चकलन खिंचाव सब नष्ट किया जाए। और वो शरीर निकाल के कोई शेष हो जो इस तरह का हो, जो खराब हो गया हो इनका स्वयं का शरीर, पुनः पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, अब आगे हल्का झुकिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब खड़े हुए ऊपर भी स्ट्रेस करिए, स्ट्रेस करिए, हाँ वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अब फिर झुकिए, फिर स्ट्रेस करिए, बहुत सुंदर। फिर एक बार आगे, अब बेटा ट्विस्ट करिए लेफ्ट राइट, वेरी नाइस, अब बेटा मूवमेंट करिए, अब चलिए, ओ
क्योंकि इनका क्या हुआ, घुटने जो है ना काफ़ी फिक्स हो गए हैं, मतलब सीधे नहीं है पैर। गुरुदेव, दिल्ली के आधे हॉस्पिटल में हम लैंडमार्क बन गए हैं कि देखो ये उन्हीं की पत्नी है जो चल नहीं पाती। एम्स जैसे हॉस्पिटलों ने, दिल्ली एम्स एंड बल्लभगढ़ एम्स ने लिख के दे दिया कि ये इंजेक्शन और टैबलेट पर चलेंगी। मैं पुनः आयुर्वेद में प्रवेश किया, आयुर्वेद में भी सफलता नहीं मिली, नेचुरोपैथ में प्रवेश किया, नेचुरोपैथ में भी कुछ सफलता क्षणिक मिली, मैं होम्योपैथ में प्रवेश किया, होम्योपैथ से भी संतुष्टि नहीं मिली। गुरुदेव, 5 नवंबर 2022 को आपका वीडियो फेसबुक पे देखा और उसी दिन से प्रण ले लिया कि मुझे आपसे मिलना है। मुझे नहीं पता मेरी स्थिति उस लायक, आपके लायक नहीं थी मिलने की, बट आपने रास्ता खोला। अच्छी हो गया सर, ये आपके सामने है, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं। ठीक बात, देख रहे हो तो काफ़ी बहुत कष्ट से गुजरे हैं आप लोग, शारीरिक और मानसिक आर्थिक हर कष्ट से गुजरे हैं। 13 अगस्त 2022 को मेरा 21 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। आपका एक पैर, आपको ऐसा फील होता होगा जैसे पंजा बड़ा है। यस, होता है फील। वो मेरे पैर से हाइबा निकल गया था। मेरा 13 अगस्त 2021 को एक्सीडेंट हुआ था अयोध्या में। मैं अपने भाई की डेथ में, डेथ हो गई 7 अगस्त को, मैं काम करने जा रहा था गांव। बहुत बढ़िया, अब आप बैठो, आप खूब चलने का मन कर रहा हूँ, उनका तब से रुकी नहीं रही है। बहुत बढ़िया, खूब खुश रहो। धन्यवाद, खूब खुश रहो बेटा। बस गुरु जी, आप बहुत जल्दी अच्छे होंगे, आपको किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, है ना, आप ऐसे ही बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी, हम दोनों पति पत्नी को आप अपनी असीम प्रेम करुणा और आशीर्वाद दें, और गुरुजी ये भी आशीर्वाद दें कि मेरा मन जो है आध्यात्मिक चीजों में लगे, आध्यात्मिकता की तरफ लगे मेरा मन। बस बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होगा। मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो जो है पूरी तरह से जो है सुखता के साथ, सुगमता के साथ कम्प्लीट हो। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं मन के, उनको ऐसे ही गंदगी घेरती है, यही परीक्षा है, इसी से पार हो जाना है। गुरुजी, मैं कम से कम जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं जब से परेशान हूँ, और कम से कम ना जाने कितने साल से मैं बेड पे रही हूँ, है ना, और मेरे हस्बैंड ये है कि जो है यही सब कुछ किए हैं कहते हैं। ठीक बात है, इतने अच्छे आपको पति मिले इसलिए सभी आप इतना झेल भी लाएं। जी गुरु जी, इतना कोई झेलता नहीं है सब। आप जरा बैठिए, थोड़ा प्रयास करिए बैठने का। पैर कितने फिक्स हैं देखिए, पैर फिक्स है ना पूरे। जहाँ तक हो पाए आराम से वहाँ तक करिएगा, फिर आपके जो पैर फिक्स है ना ये भी खुल जाएंगे, आप चिंता ना करो, सब फोल्ड होने लगेंगे धीरे धीरे। ओम, क्योंकि आप में चूँकि इच्छा शक्ति बहुत है, अब खड़े होइए। एक यहाँ दरबार में एक रहता है पैरा ऑयल करके, एक नाम का ऑयल है, पैरा ऑयल, वो घुटनों पे रात में जी लगा के, घुटने में उसके जस्ट बैक में, ठीक है, जॉइंट्स में, ठीक है, बैक में भी, और रुई रखे कॉटन जी, और पट्टी बांध देना है रात में सोते समय, ठीक है, सुबह खोल देना उठते ही, ठीक है, ये करना है, ठीक है। ऐसे कराएंगे महीना दो महीना, धीरे धीरे सब खुल जाएंगे। लेपन सिर पे जरूर करना है बेटा जी, और बैक कमर में भी, आपको स्टिफ काफ़ी स्टिफनेस है ना, सब खुल जाए, आधे घंटे कमर पे, एक घंटा सिर, ऐसे पर डे आप लेपन जरूर करना, ठीक है, एकदम आप अच्छे हो गए। एक बार गुरुजी बिठा के उठा दिया जाए, क्या करेंगे ना, सारा करेंगे, अभी तो बहुत अच्छी हो गई हैं। माइक दो उनको, अब कैसा फील कर रहे हो आप? गुरुदेव, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर मानसिक रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझको ना इतना गुस्सा आने लगा था ना बीमारी बाद, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद अब मैं हूँ ही नहीं, कहते नहीं कई सालों तक, और पता कहते हैं हम दोनों में भी झगड़ा होने लगा था कहते, जिसका मतलब पूरे घर में कलेश की स्थिति थी कहते। बिल्कुल, और ऐसा लगता था ना अगर किसी ने कुछ कर दिया तो मतलब माफ करने का मन करता था, बदला लूं मैं उससे, जैसे कि जैसे को तैसा, ऐसी स्थिति बन गई थी मेरी कहते। कोई नहीं बेटा, सब अच्छा होगा। अभी आपकी एक अल्प कटी है, अभी कई अल्प कटी है, तो एक महामृत्युंजय का एक हवन जरूर कर लीजिएगा, उसका कवच हो जाएगा, फिर एकदम फर्स्ट क्लास ऊर्जा क्षय नहीं होगी आपकी, प्राण क्षय नहीं होंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपके पास बहुत एनर्जी है दोनों लोगों के पास इस समय, है ना, अच्छे होंगे। अब आपका हम ये पैर ठीक कर दें।
जो आपको चोट लगी थी है? आंखें बंद करिए और वो समय याद करिए जब आपको चोट लगी, आपके ऊपर से पहिया गुजर गया, आंख बंद करके और उस क्षण में जाइए, उस एक मिनट पहले। ओम, जो कुछ देख रहे हैं वो इनकी स्मृति से नष्ट कर दीजिए। जिस समय ये पहिया इनके ऊपर चढ़ा गाड़ी का, उसके एक मिनट पहले से लेकर के दरबार में आने तक, चिकित्सा शुरू होने तक पहले तक का कालखंड काट दिया जाए इनके जीवन यात्रा से। ओम, भस्म कर दिया जाए, दोनों अच्छे कालखंड जोड़ दिए जाए, बैलेंस, सारे कष्ट भविष्य की स्मृति में नष्ट किए जाए, वो घटना भविष्य की स्मृति से नष्ट कर दी जाए। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोलिए, बंधन कीजिए अपना पांच बार। अब आपका पैर पूरी तरह ठीक हो चुका है, चलिए मूवमेंट करिए, आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए, अब आपको ये नहीं पता लगेगा कि अभी पहिया चढ़ा था इसके ऊपर, इतनी बड़ी इंजरी के बाद भी। कुछ नहीं, अब कैसा फील हो रहा है? आपकी शक्ति से ही तो मैं जिंदा हूं गुरुजी। 7 फरवरी 2007 अयोध्या की धरती हनुमानगढ़ी पे जयमाल डालने के बाद पत्नी का कोई सुख नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हो, बाकी आपके सामने पूरी हिस्ट्री आपको पता है। कोई बात नहीं, अब से सही, ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हरिहर, खूब खुश रहिए। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो, खूब खुश हो, बताओ बेटा।